तो सलाम सत श्री अकाल आदाब कैसन बान जा रहा सब। दरअसल आज के प्राइम टाइम देखे रवा लोग चालू कर दिल बनी और आज के प्राइम टाइम में हुई कितना खास और का हुई सब कुछ रवा लोग इनके पूरा डिटेल्स में बतावे वाला बानी। तो बाकी वो काम करी चैनल बनाया बानी तो सब्सक्राइब कर दी बेल आइकन घंटी जरूर दबाई बाकी सगे मित्र और दौर दयास संगे भी शेयर कर दी काहे कि भोजपुरी सिनेमा के ऊपर महज एकलौता प्राइम टाइम आवेला वो निश्चित भोजपुरी पर। तो चलिए फटाफट हमने के आज के खबर के बारे में जानने चालू कर दे। देखिए आज का खबर बहुत ही खास बाटे। दरअसल हम बात करोल बानी पहल का खबर इश्क छलावा। हाँ प्रमोद प्रेमी की फिल्म इश्क छलावा फिल्म की आज सुबह सुबह ट्रेलर रिलीज भैल हुए। दरअसल ट्रेलर देखी तो एक्शन से ही शुरू होत बा और एक्शन पर ही खत्म होत बा। काहें कि एक्शन ऐसा ऐसा बटे ऐसा ऐसा बटे कि ऐसा एक्शन देख कर वहाँ पाक चुकल बने सही सुनतन जब। बाकी फिल्म कैसे इंस्पेक्टर वाली कहानी भी आगे कौन इंस्पेक्टर बहुत धाकड़ और कमाल करत बा वावत बा वजह के तस्वीर के अंगने बदलत बा गुंडलों के दम मार के तार तार कर देत बटे। यानी ए तरह की स्टोरी पर वहाँ तमाम फिल्म देख चुकल हम। फिर भी प्रमोद प्रेमी इस फिल्म पर काम कैले वाला स्टोरी पर और एज ए पूरा ट्रेलर देख ले तो कहीं भी प्रमोद प्रेमी वर्दी पहन के दिखाई नहीं जाता। लेकिन बाड़न ए में एगो इंस्पेक्टर और तो और ए फिल्म में एक जना और ही हीरो बाड़न उनकर भी अपन रोल में मतलब बस वह एक्शन करत नजर आ रहा है। बाकी और डायलॉग डिलीवरी मोशन फीलिंग कहीं भी इन लोग को दिखाई नहीं खेद। बात करब ए फिल्म के हीरोइन सोनाली विष्ट और प्रियंका रॉय के बारे में। प्रियंका रॉय अक्सर खाली गाना में ही दिखाई दे वाली पूरा ट्रेलर में कहीं एगो डायलॉग्स उनकर से बोलवावल नहीं खेगो। ठीक वह काम सोनाली विष्ट से भी हो सोनाली विष्ट कहीं कहीं डायलॉग बोलत भी नजर आ रहा बड़ी लेकिन प्रियंका रॉय से ओहो ना। यानी इस फिल्म के पूरा ट्रेलर देख लें तो दिमाग के ऊपर से जाई कहीं कुछ ना समझ में आई। अरे यार का हो कैसन हो कि ना मतलब कुछ हो समझ में ना आ पाई भाई सही बता देते बने। तो फाइनली इस फिल्म के निर्माता बानी घनश्याम श्रीवास्तव और इस फिल्म को डायरेक्ट कर बनी एम आई राज जौन दिनेश लाल निरहुआ के फिल्म आई मिलन के राहत बनैले बने। तो फाइनली एम आई राज के फिल्म इतना कैसे अजीब बाटे। तो फाइनली आई फिल्म को अगर देखिए स्टार कर प्रमोद प्रेमी हसन खान प्रियंका राय मनोज टाइगर सोनाली विष्ट गोपाल राय और सुमन झा ए फिल्म के स्टार कास्ट में। तो फाइनली हमने के अब अगला खबर तरफ ली ओ बाटे राकेश मिश्रा के फिल्म सौगंध बा हमारा सुहाग के। एक्चुअली सौगंध बा हमारा सुहाग के इस फिल्म के कुछ दिन पहले फर्स्ट लुक्स आए रहे लेकिन अब फिल्म के ट्रेलर के रिलीजिंग डेट आ गई बटे। दरअसल इस फिल्म के नाम ही में सारा फिल्म के कहानी छिपल बटे कि कैसे ये फिल्म बदला के वेश वाली कहानी होखे वाली भी है कि मैंने कैसे शुरू में ही केहू के पति के केवनो गुंडा मतलब पीट पीट के बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण से मार देत बड़न ओकर बाद से वो अपना पति के सुहाग मतलब अपन पति के सुहाग माने ली जा हमने के भारतीय नारी वो मतलब कसम खातरी कि कम से कम तहरा के तो हम छोड़म ना और वो कसम के पूरा करे खातिर कैसे अपन लैका के सयान कर तरी कैसे मतलब ओकरा के तरह तरह के उगारा वगैरह या षड्यंत्र रच रच के तरह अपन दुश्मन के मतलब स्वर्ग पहुँचा देत बड़ी और ओकरा बाद से उनका दिल के शांति मिलत बा। सब कुछ ए फिल्म ए फ्लो में ही देखे के मिली। बाकी बीच में कहीं ना प्यार मोहब्बत हुई क्यों ना सिचुएशन हुई का सब कुछ देखे के मिली वो कुछ भलकी अलग हो सकेला। अब जे गने भी अलग हुई वो तो ट्रेलर आई तो पता चल जाए। दरअसल फिल्म के देखे स्टार कास्ट में तरह के मिश्रा माया यादव मनोज टाइगर ब्रजेश त्रिपाठी जैसे स्टार कास्ट भी ए फिल्म में दिखाई देवे लगा। दरअसल ए फिल्म के ट्रेलर रिलीज कर ली वर्ल्ड वाइज रिकॉर्ड पर। अब देख बटे कि फिल्म कितना खास और कितना यूनिक्स हुई जब ये ट्रेलर आई तब पता चल जाए। दरअसल फिल्म के देखी तो निर्माता बनी मंजूर आलम और ए फिल्म के डायरेक्ट कर बनी महमूद आलम। दरअसल फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दी 25 नवंबर के दिन। अब देख बाटे कि फिल्म कितना कमाल और कितना यूनिक होती है। तो चलिए अब हमने के अगला खबर के तरफ बढ़ दी वो कितना खास और कितना यूनिक होकर वाले बा। दरअसल बात अगला खबर के करे वाले बानी तो अगला खबर काफ़ी यूनिक्स बाटे। दरअसल रोटी फिल्म के बड़ी चर्चा बाटे कि ये फिल्म कुछ खास करी। हाँ ये फिल्म कुछ खास करी। दरअसल कैसे ये फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड में शामिल हुई लेकिन एकरा के लेके अब प्रतिक्रिया तरह तरह के आवे लागल बाटे। प्रतिक्रिया ई कि कुछ भोजपुरी के मतलब भाई कथा कथित बड़ा बड़ा स्टार लोग भी बढ़न अब वहाँ लोग चौक चुकल बढ़न कि काश अगर ये फिल्म पहुँच जाए इंटरनेशनल अवार्ड में अगर वो जगबा मतलब थर्ड लेवल के भी अगर ये फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड में आवत भी है तो हमने के तो नाक कट जाए। तो वहाँ लोग के बीच
भीतर भीतर जौन हिसाब से षड्यंत्र से चालू कर दिल बन जा। अब देखिए कथा कथित हम केहू के नाम ना धरम, लेकिन के हो सकेला एक अंदाजा रहुआ खुद लगा सकते। तो फाइनली ये रोटी फिल्म कितना कमाल करी, कितना यूनिक्स करी, दरअसल बता दी कि फिल्म के सत्तर दशक के स्टोरी के दर्शावल गई बा, जो में गरीबी अमीरी और तो और जाति पात छुआछूत और अशिक्षा के भरमार सब कुछ ए फिल्म में देखे के मिले वाला बाटे। बाकी धीरेन्द्र झा के फिल्म के निर्माता बानी, उनका निर्देशन में बनल फिल्म या निर्देशन निर्माता दोनों बानी। बाकी में कुणाल तिवारी और काजल यादव इतिहास रचे वाला बन जाए। अब हम लोग इतिहास का रचा पाई या इतिहास में खोट ही रह जाए, ये देखल अभी बाकी बा। तो फाइनली अगला खबर की तरफ जी, वो अगला खबर बटे जौन लखनऊ में 22 नवंबर के एगो अवार्ड शोभ हुए, जौन KRC मीडिया और फिल्म बंध उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जौन अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म महोत्सव 2021 कैल गए, जौना के मतलब ठेठ में कहल गए भोजपुरी सिनेमा सम्मान 2021। लेकिन एकरा के मतलब सम्मान तो कहल गए, लेकिन एकरा सम्मान में भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार लोग ना पहुँचल, अजीब सम्मान बा, अजीब बाटे। वो उत्तर प्रदेश के द्वारा से मतलब चीज के करावल गए रहुए, फिर भी लोग ना पहुँचल। अब बतावा जा रहे लोग अंदाजा लगावा जा कि कैसन उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन पाई कि उत्तर प्रदेश में वो लखनऊ में ही कोनो एक तरह के कार्यक्रम हो वो सम्मान वाली और उनमें बड़े बड़े स्टार लोग ना पहुँचे। तो के तरह के बुझात बाटे तो हम लोग कि फिल्म सिटी बन सकेला तनी कौन, हमके जहाँ तक उम्मीद बटे कि शायद एगो चुनावी टाइप का प्रोपेगेंडा ही साबित हुई, जहाँ तक हमार उम्मीद बटे। अब हो जाए तो बहुत बेटर बटे, लेकिन एगो पर्सनल व्यू पॉइंट बटे उस चीज़ के हम रखे के कोशिश करते हैं। अब काहे ना पहुँचवन, कहा ना बस काहे के ना पहुँचवन, एक हमारे लगे कोनो ठोस जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतने के हम लोग ना कह चाहते रहो, कम से कम जाए चाहते रहो, फिर भी गर्दा बा मस्त बाटे, चंगा सी बाटे। अगर वासन के बगैला खबर की तरफ बढ़ ली, वो बाटे फिल्म मुन्ना भाई। एक्चुअली मुन्ना भाई प्रदीप पांडे चिंटू के एक फिल्म की शूटिंग काफ़ी जोरों से चल रहा भी है और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन पर। दरअसल एक फिल्म के 80% के हिस्सा पूरा कर रहे बैठे, बहुत जल्द ही एक फिल्म के शूटिंग से निपटी हन और कुछ अच्छा वाला फिर धमाका काम करे वाला बा। तो फाइनली ई रहल आज के फिल्म के खबर। दरअसल बता दी कि आज के क्रिकेट के बारे में जाने, दरअसल आज से चालू हो चुकल भी भारत और न्यूजीलैंड के पहल का टेस्ट मैच, जौना के भारत पहले टॉस जीत के बैटिंग करे चालू कर दिल भी और आसानी से अभी 7 ओवर में 21 रन के करीब बना चुकल वाला जा, और अभी कोनो विकेट भी भारत के नहीं खेल गिरल, यानी अभी खेल शुरुआत में बट। लेकिन ICC काल एगो T20 के मतलब बैटमैन्स लोग के रैंकिंग डिसाइड करवे और एगो पोस्ट डल बन, जो कि हमारे स्क्रीन पर भी रवा लोग देख रहा बन, मतलब वो पोस्ट में महज 2 एशियाई खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल बन जा, जौना में पहला नंबर पर बढ़न पाकिस्तान के बाबर आजम, जौन ICC के T20 के रैंकिंग में नंबर 1 के बढ़न, और दूसर का बढ़न लोकेश राहुल, जौन ICC के T20 के रैंकिंग में नंबर 5 पर बढ़न, और बाकी बीच के खिलाड़ी सब विदेशी लोग बटे। यानी अभी फिलहाल में अगर देखल जाओ तो मतलब एशियाई खिलाड़ी लोग कुछ अजीब टाइप के परफॉर्मेंस नहीं कर पाओ तो जा, ऐसे कि 10 में 8 विदेशी और महज 2 एशियाई, तो थोड़ा सा सोच के भी अजीब लागत भाई। तो फाइनली इतर क्रिकेट के बारे में, तो चलिए हमने के आज के एल्बम के बारे में बात करी। अगर देखिए आज के एल्बम तो कुछ खास और कुछ यूनिक्स वाला एल्बम बड़ा असल हमने की बात कर ली। पहल का गाना बाटे गोलू गोल्ड के गाना काफ़ी खूबसूरत बाटे कि मेकअप वाला मुखड़ा, यानी चेहरा तोहर बाटे तो पूरा बनावटी मेकअप के मुखड़ा बा, लेकिन ये मेकअप में तू एकदम से गुड़िया से लगे लो और हमार मन दिल तोहरे के ऊपर आ जाला और तोहरा से प्यार करे खातिर हम अपना आप के रोक भी ना पावे नहीं। तो फाइनली ये गाना कैसे वो चित्रात करताटे एगो लड़की के बहुत ही खूबसूरती के और वो चीज़ के पावे की कोशिश भी, और उनकर खूब ज़्यादा एक गाना में बड़ा ही बा।
तो फाइनली ई बाटे गोलू गोल्ड के गाना। अगर हमने के अगला गाना के तरफ बात कर लिए, वो बाटे राकेश मिश्रा गाना। देखिए राकेश मिश्रा के गाना के बोल बा, राजा भैले जवान हम लैका लैका नुबानी। मतलब एमे कैसे एगो लैकी मतलब अपन सैया से कहत कि तू जवान बड़ा अभी हम लैका नुबानी, लेकिन फिर भी तहार हम हर एक ओ कशिश के पूरा करम। ये गाना के मेन बोल बा। लेकिन हम बात करम राकेश मिश्रा के बारे में, राकेश मिश्रा अभी भी राजा तनी जाइना बहरिया के फ्लो से बाहर नहीं खे आ पैलन। हाँ, जब भी वो कोनो गाना मतलब दूगो तीन गो गाना के बाद जब भी वो कोनो गाना कुछ खास कर चाहत रह तो बार बार से राजा तनी जाइना बहरिया के फ्लो में घुस जात रह, ऑटोमेटिक घुस जात रह, कहूँ के नहीं खे पड़ब। तो फाइनली उनकर अभी कशिश वो गाना से बहरी नहीं खे आ पाइल और यही के चलते ये गाना में भी वो कुछ खास नहीं खे कर पैलन। तो फाइनली गाना फिर भी सुनने लायक ठीक ठाक बाटे। दरअसल एक वीडियो में श्वेता झा बाड़ी जन के काफ़ी खूबसूरत और अच्छा लागत ही बाड़ी, वीडियो एगो ठीक ठाक देखल ली तो बनावल गई बात। तो फाइनली अब हमने के अगला गाना की तरफ बढ़ ली, वो बिना मतलब वाला स्टार। हाँ, अवधेश प्रेमी, इनको गाना के कोनो मतलब ना होला और तो और म्यूजिक ऐसा हुई कि अपन कपार पीटे पर तू मजबूर हो जब। सही बतावत बनी। फाइनली अवधेश प्रेमी के गाना के बोल बा, कमर में दर्द होला, यानी इमें एगो लाइन बाटे कि जब जब सैया गरम होला आ कमर में दर्द होला। मतलब सैया के गरम से कमर में दर्द के काम ताल्लुक बटे। अब इनकरा से इनकरा अलावा और अवधेश प्रेमी के अलावा और केहू ना बता सकेला। तो फाइनली ये गाना के मन करते हम लोग सुन सकते नहीं, बिना म्यूजिक बिना लॉजिक बिना समझ के पड़े वाला गाना बटे। हाँ, तो फाइनली आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही रहूँगा लोगों के सामने। यह कहम देखत रहें जा निस्तक भोजपुरी, बाकी राम जीत।